नाम पठान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं किंग खान ग्लोबल सुपरस्टार बादशाह खान शाहरुख खान की फिल्म पठान के बारे में। फ्रेंड्स, पठान इज टेकिंग टेक्नोलॉजी टू अनदर लेवल। ये पहले भी बहुत सारी फिल्मों में यूज हुआ है, लेकिन आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पिछले एक हफ्ते से सिद्धार्थ आनंद यहाँ पर ऐसी ऐसी टेक्निक्स यूज कर रहा है जो पठान को देखने में एक अलग लेवल पर ले जाएगी। वेल फ्रेंड्स, अगर आप मेरे ऑनसेट एपिसोड फॉलो करते हो, स्पेशली राधे की, तो हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया। इनफैक्ट हमने ये जब राधे की शूटिंग शुरू हुई थी उसके ऑलमोस्ट 15 दिन के बाद ही मैंने आपको बता दिया किस तरह से बोल्ट कैमरा द्वारा, मैंने एक ऑनसेट पिक भी शेयर किया था बोल्ट कैमरा का रेड चिलीज में, राधे का जब VFX हो रहा था तब गाइज बोल्ट कैमरा यूज हुआ था। बोल्ट कैमरा में मेरा एक पूरा एपिसोड है डेडिकेटेड। अब गाइज पिछले एक हफ्ते से सिद्धार्थ आनंद YRF में बोल्ट का हाई स्पीड कैमरा रोबो यूज कर रहा है। ये एक ऐसा कैमरा रोबो है जो कि फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड है, जो इमेजेस पट 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 कैप्चर करता है। बहुत ही यूनिक कैमरा है एंड ये एक्सट्रीम हाई स्पीड है, एंड जो फीचर्स है वो इतनी जबरदस्त तरीके से कैप्चर करता है, स्पेशली जो हाई स्पीड मोशन होता है एंड उसको एक कंप्लीट स्टॉप इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैप्चर करता है। पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर ग्रीन क्रोमा स्क्रीन द्वारा शाहरुख खान के क्लोजअप शॉट्स लिए जा रहे हैं। ही इज बीन वॉकिंग एंडलेसली फॉर द लास्ट 1 week। देर वॉज नो दीपिका पाडुकोन ऑन द सेट्स, देर वॉज नो जॉन अब्राहम ऑन द सेट्स। यू विल सी 80% ऑफ शाहरुख खान इन दिस फिल्म। This is his film, okay? Pathaan is Shah Rukh Khan's baby, okay? You will be seeing Shah Rukh Khan in every second frame possible. पूरे की पूरी फिल्म में उनका राज, उनका दबदबा होगा। He will carry. क्रिटिक्स लिखते हैं ना अपने रिव्यू में, पूरे की पूरी फिल्म को उन्होंने अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़े हैं। जब पठान के रिव्यूज आएंगे तब आपको यही सुनाई देगा। अब गाइज ये जो कैमरा है ये यहाँ पर जितने भी एक्शन सीन्स हैं, जो लॉन्ग शॉट्स लिए गए हैं उनके क्लोजअप्स को यहाँ पर YRF में क्रोमा स्क्रीन द्वारा शूट किया जा रहा है। ये हर एक मूवमेंट शाहरुख खान की, उनकी लेग मूवमेंट, उनकी हैंड मूवमेंट, उनके फेशियल एक्सप्रेशन को कैप्चर कर रहा है इन हाई स्पीड। एंड यहाँ पर जितने भी कॉम्प्लेक्स कैमरा शॉट्स हैं जो उन लोगों ने लिए हैं लॉन्ग शॉट्स में, उनको यहाँ पर पर्सनली मॉनिटर करके किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, द सरप्राइज ऑफ देम ऑल इज कल दोपहर में सलमान खान joined the sets of Pathaan once again. Yes friends, Salman bhai went on the sets of Pathaan and वहां पर उनका भी जो shoot है यहाँ पर when he shot for Pathaan वो look में वो वापस आए हैं। Tiger 3 में उनकी जो दाढ़ी है वो थोड़ी घनी है, लेकिन in Pathaan he has a very lightest stubble, like different from his look in Pathaan. It is similar, लेकिन आप जो beard density है उसमें मेकआउट कर लोगे कि उनका लुक पठान में किस तरह से, टाइगर 3 में किस तरह से है। एंड रशिया रवाना होने से पहले सिद्धार्थ आनंद वॉन्टेड टू कैन सलमान खान यू नो क्लोजअप शॉट्स विथ SRK, एंड ये कल बोल्ड कैमरा द्वारा शूट किया गया है YRF स्टूडियो में। ओके गाइस, सो ये मैं खबर मुझे बतानी थी आप लोगों को कि कल वापस से द खान ब्रदर्स यानी कि SRK एंड सलमान भाई बोथ ऑफ देम यूनाइटेड एंड बोल्ट द्वारा ये यूज किया गया है। फ्रेंड्स, सिर्फ बोल्ट ही नहीं, वहां पर ब्लू प्लाइज भी यूज किए गए हैं। एंड यहाँ पर एडिटर रहता है वो मल्टीपल एंगल्स जो कैमरा क्विकली सेटअप करता है उसकी मदद से भी वहां पर ये ब्लू प्लाइट्स लगाए जाते हैं। एंड गाइस ये कल पूरे के पूरे एक हफ्ते में ये सीन्स शूट हुए हैं। अब गाइस आने वाले दिनों में शाहरुख खान ही आपको सेट्स पर दिखाई देंगे। यस, दीपिका पाडुकोन हैज रैप्ड अप हर फिल्म विद शकुन बत्रा, लेकिन यहाँ पे शाहरुख खान जितने भी एक्शन सीन्स है जो कि फिल्म में पिक्चराइज हो चुके हैं वो यहाँ पे हैं। बहुत लोग पूछ रहे थे मुझे कि भाई जो बुर्ज खलीफा वाला सीन था जिसको इतना पब्लिसाइज किया गया, क्या वो फिल्म में होगा या नहीं होगा? यस, द बुर्ज खलीफा सीन इज देयर इन द मूवी। दे विल यूज द VFX प्लेस विच दे ब्रॉट फ्रॉम देयर एंड दैट विल बी द हाईलाइट सीन ऑफ दैट फिल्म। ओके, द बुर्ज खलीफा सीन का भी बोल्ड कैमरा से, क्रोमा से यूज किया गया, वो सीन होगा मेरा भाई फिल्म में एंड दैट विल बी अ बेंचमार्क सीन। बात करें गाइज अभी पठान की और चीजों की, तो गाइज अब सभी लोगों को पता है टाइगर 3 क्रू रवाना हो रही है रशिया के लिए। अनफॉर्चुनेटली अगस्त के महीने के बाद सितंबर में बाकी फिल्मों के क्रू अपने सेट्स YRF में लगा देंगे एंड YRF पूरा सुनसान हो जाएगा। जो रुतबा, जो शान और शौकत शाहरुख भाई सलमान खान की थी यहाँ पर इस स्टूडियो को जगमगा रही थी, वो अनफॉर्चुनेटली वीरान हो जाएगी। सितंबर में फाइनली
The Pathan crew will also go for an overseas shoot. Signed, sealed and done. They are going overseas. No hanky-panky this time. This time they will go. And Russia mein, वहां पर जितने भी लोग हैं जो अभी टाइगर 3 के लिए गए हैं वहां पे वो सारे के सारे लोग जांच पड़ताल करके जो अदर लोकेशंस है यानी कि पठान की वो भी वो लोग फाइनलाइज कर देंगे. सो टाइगर 3 क्रू गोइंग टू रशिया विल बी अ लिटमस पेपर टेस्ट फॉर द क्रू ऑफ पठान. ओके, वो किस तरह से स्मूथली हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके अनुसार जितने भी क्रूज है, क्योंकि जब पठान ओवरसीज जाएगी तो उनके क्रूज भी इंटरचेंज हो जाएंगे एंड पठान भी अपना एक लिमिटेड क्रू जो है वो यहां से लेकर जाएगी शूट के लिए एंड वहां पर जितने भी आर्टिस्ट है उनको हायर करेंगे. सो गाइस, गुड टाइम्स कमिंग अहेड फॉर पठान एंड पठान का स्केल बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है. दे विल डू एवरीथिंग पॉसिबल. ये फिल्म मिनिमम टू मिनिमम VFX के लिए पूरा का पूरा 6 से 7 महीना लगने वाला है VFX का. जितने भी सीन शूट होते हैं ऑटोमेटिकली दे गो फॉर VFX एंड VFX का काम भी इस फिल्म का साइड बाय साइड चलते जा रहा है. ओके गाइस, आई होप आज का एपिसोड आप सभी लोगों को पसंद आएगा. ओके, तो पठान शूट इज गोइंग एट अ रॉकेट स्पीड. सिद्धार्थ आनंद, इसमें लास्ट एपिसोड में कहा था आप सभी लोगों से कि ही वॉन्ट्स टू फिनिश पठान एज सून एज पॉसिबल. जो गाने का शूट है वो ओवरसीज होने वाला है. अपार्ट फ्रॉम दैट इज नथिंग दैट यू डोंट नो. ओके गाइस, आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा. सलमान भाई का बस एक ही दिन का काम था जो उन्होंने कल खत्म कर दिया. यस, प्रीवियसली ही हैज शॉट फॉर मेनी डेज इन पठान. ओके गाइस, मैं अमन अंसारी साइनिंग ऑफ. यू विल सी मी वेरी सून. अब अगले एपिसोड में मिलेंगे पठान के, जब वो जो सेट्स बना है बाजू में क्रोमा स्क्रीन के उस पर शूट करने जाएंगे. उसके लिए आपको 3-4 दिन का इंतजार करना पड़ेगा. एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन.